मैं पूछना चाहता हूं कि कराची पुलिस चीफ, आईजी सिंह, डीआईजी साहिबान, एसएसपी साहिबान और पूरी फौज जफर मौज जो यहाँ माशाल्लाह कराची में थानों में ला ला के लगाई हुई अपनी पसंद के लोग जवाब देना पसंद करेंगे। बिलाल नासिर के साथ क्या हुआ? एनईडी के गेट के ऊपर एक तालिब इल्म महफूज नहीं। पिछले 7-8 महीने में 100 के करीब लोग टारगेट किलिंग में, मतलब ये जो स्नैचिंग के दौरान के लिए मार दिए गए। आज से चंद रोज कबल 6 साला बच्ची गुलशन म्यांमार में ज्यादती करके कत्ल कर दी गई। 12 साला बच्ची मुबीना टाउन में ज्यादती करके कत्ल कर दी गई। 13 साला बच्ची लाइन एरिया में ज्यादती करके कत्ल कर दी गई। और कायदाबाद की मुनीबा के भी अभी तक कोई कोई नहीं पकड़ा गया। जवाब देंगे, बच्चियों से ज्यादती करके कत्ल किया जा रहा है और मोबाइल भी छीनते हैं और जान भी लेते हैं, जान भी छीनी जा रही है। कोई जवाब देगा? एडिशनल आईजी कराची जवाब देना पसंद करेंगे? आईजी सिंह साहब जवाब देना पसंद करेंगे? करप्ट एसएचओज आपने लगा दिए जो माल पानी के पीछे लगे हुए हैं, एसएसपी सिस्टम के पीछे लगे हुए हैं, सिस्टम का काम हो रहा है। गुज़िश्ता रोज भी सारे लोग हाईकोर्ट के अंदर मौजूद थे अपने किए हुए गंद को साफ करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये पूरा सूबा सिंध और खासतौर पर कराची आपसे जवाब मांगता है कि ये क्या कराची के लोग, ये पुलिस इसलिए है टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर के लोग मरते रहे और आप लोग देखते रहे? बेचारे डाकुओं ने तो तबाही मचाई हुई है, दीगर पूरे पाकिस्तान के लोगों को लाके बंद किया हुआ है। उनसे तो आपको हम कह नहीं सकते क्योंकि कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त आप पक्के के डाकू जो सिंध असेंबली में, सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके लिए तो आपकी कांपे टांग जाएंगी। लेकिन कराची को बिलाल नसीर की जो शहादत है, जो मैं बहुत अफसोस करता हूं उसको, मैं कहना चाहता हूं कि मुराद अली शाह आप वज़ीरे दाखला हैं, जवाब दें। आईजी सिंह जवाब दें, एडिशनल आईजी जवाब दें, बिलाल नसीर का कत्ल का जिम्मेदार कौन है?